स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले चार स्टॉक्स, आज ब्रेक बहुत छोटे छोटे हमको लग रहे, जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं लोग मिस करते हैं ना आपको, है ना, मिस करते हैं, इसलिए एकदम काट के फटाफट वापस आ रहे, बीच का जो बंधन है वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपकी सेवा में पेश है SBI लाइफ, ग्रीन में रखिए इसको। बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है HSBC की, 1790 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया है और उनका मानना है कि चौथी तिमाही, अच्छा खासा ऊपर टारगेट, चौथी तिमाही में जो ग्रोथ है सीक्वेंसली काफ़ी बढ़िया है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है और कॉस्ट घटाई है इन्होंने, लोअर कॉस्ट पर लेके आए हैं। तो Q4 के आधार पर ऐसा लगता है कि नए साल का आगाज़ अच्छा होना चाहिए और यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ दिख रहे हैं। वैल्यूएशन को लगता है कि 2.2 है FY26 एंटरप्राइज पर शेयर पे, तो ये रखिए ग्रीन में। उसके बाद सातवां स्टॉक जो है, आठवां स्टॉक रादर, IDFC फर्स्ट बैंक कह सकते हैं आप, उस पर JP Morgan की एक रिपोर्ट है न्यूट्रल की, 75 रुपये का टारगेट दिया है इन्होंने, 10 रुपये नीचे। उनका यह कहना है कि 5% इनका प्रॉफिट Q4 में अनुमान से नीचे था। क्यों नीचे था? क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट अब ऊपर चली गई है और कोर जो रिटर्न ऑन एसेट्स है उनका वो 1% पे बना हुआ है, एलिवेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखते हुए। तो उनको ये रिजल्ट बहुत मज़ेदार नहीं लगे, इसलिए उन्होंने इसको न्यूट्रल दिया है कि चलो हमारा कोई व्यू ही नहीं है, लेकिन टारगेट 75 का इन्होंने इस पर रखा। तो ये हो गया आठवां। नाइन्थ और टेंथ स्टॉक में ऑयल कंपनीज को मैं दोबारा रख रहा हूँ, ONGC और OIL को, क्योंकि क्रूड धीरे धीरे इंचअप होके 89 के आसपास पहुँच गया है, बीच में $87 तक आ गया था, लेकिन धीरे धीरे ये गया है। और ONGC और OIL के नतीजे बहुत ही बढ़िया होने हैं, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि रिलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है इनका, बावजूद इसके कि बहुत बार इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स हायर प्राइसेस पे लगाएंगे, फिर भी कंपनियों ने बहुत पैसे बनाए। आई होप कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, मार्केट पसंद आएंगे, इसलिए OIL एंड ONGC नाइन्थ और टेंथ। संपला, अब आइए भाई मेरे अगले दो, तो रिजल्ट्स धांसू लग रहे हैं मुझे। एक है श्री दिग्विजय सीमेंट। ओके, इसका ब्रांड पता क्या है? क्या? कमल सीमेंट। क्या बात कर, हाँ दिखा दिखा ब्रांड का चित्र दिखा। वो कमल ही है। बिक्री 9%, बीटा 44%, मुनाफा 52% का, इबीटा प्लस पर टन 1302 रुपए, 1231 से बढ़ के, और 1302 रुपए मतलब शायद वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, नंबर अच्छे। शक्ति पंप्स, अब पता नहीं रिजल्ट में क्या क्या भाव में डाइजेस्ट, रिजल्ट देखिए भाई, 183 करोड़ की आय बढ़ के 609 करोड़ रुपए साल दर साल, इवन Q1Q 23% का जंप, मुनाफा 2.5 करोड़ वाला बढ़ के 90 करोड़ रुपए आ गया, Q1Q भी 90% का जंप है। तो साल दर साल इस तरह के एक्सप्लोसिव ग्रोथ थी, तो मैंने सीक्वेंशली भी टटोल लिया, नंबर अच्छे हैं। अब ये जो गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, दो रख दिए मैंने, हालांकि सारे SFBs आज फोकस में रहे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बिल्कुल ठीक है, RBI ने गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर चाहें तो यूनिवर्सल बैंक्स बनने के लिए। अब उसमें वो ग्रॉस NPA 3% से कम होना चाहिए, नेट NPA 1% से कम होना चाहिए पिछले 2 साल में, मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में मुनाफा कर रहा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, जो जो क्राइटेरिया क्लियर करते रहेंगे और जो यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते होंगे ऑन टैप टाइप हो गया इनके लिए। अब खबर तो अच्छी है, तो भाई SFBs रडार पे और ये 2 सिंगल आउट करके हरे कर दिए। इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम जो 10-10 स्टॉक्स की है उसका एक क्विक रैप अप।